श्री जितेंद्र बाबू हमारे श्रवण बाबू और हम लोग जो तीन विधायक सम्मिलित हुए हैं, महेश्वर बाबू, अशोक जी और महेश्वर। पहले मैं और सभी जो हमारे मंच पे उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही आप सब मीडिया से हमारे बंधुगण और हमारे साथ जो क्षेत्र से हमारे लोग आए हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, खासकर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम जी, मोहम्मद अनुठे जी जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव थे राजद के, वो और सभी हमारे कार्यकर्ता साथी जो आए हैं, उनका लिस्ट हमने सौंप दिया है। और पार्टी में सम्मिलित होने का मेरा मुख्य कारण, मैं 20 साल से लगभग भी पार्टी में हूँ और मुझे लगा और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पार्टी में रहकर के राजद में हमने काम करने का काम किया। लेकिन जब वक्त आया, मैं 3 बार MLA भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की MLA हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया, खास करके जो महिला दलित महिला MLA, मैं अपनी भी बात नहीं कर, और भी जितनी जो महिला हैं हमारे दलित, वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। मैं इसलिए इस पार्टी में सम्मिलित हुई क्योंकि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आधी आबादी को सम्मान देने का काम करने किया इन्होंने, जो पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, इन सब बातों को देखते हुए जो हमारे क्षेत्र में जो भी विकास का काम हुआ, चाहे वो बिजली तो हर घर में चली गई कहने की बात नहीं, पूरा बिहार जाना जी जो चीज इन्होंने कहा उस काम को करने का दिखाकर किया, लेकिन खास करके जो दलित महिला है, जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण दिया गया, उन सब इनके शुक्रगुजार है। कहीं ना कहीं आधी आबादी नीतीश जी के साथ है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे दलित महिला हो, चाहे किसी भी, चाहे छोट मतलब ऊंचे जाति की महिला है, सब लोग प्रभावित हैं, क्योंकि हर घर में महिला के रूप में टीचर काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी दलित महिला हो करके, और मैं जब भी अपने मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी काम लेकर गई, आज जो सड़क का जाल बिछा हुआ है हमारे यहाँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, और इनका सहयोग मुझे मिलता था, और मुझे लगा नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ। विपक्ष में रहते हुए जितना मैं अपने क्षेत्र का काम किया, इन सब बातों को देखते हुए हम फिर से पुनः, क्योंकि मैं पहले समता पार्टी में भी थी, जाने को अगर दल बदल का नियत रहता तो मैं BJP में जाती, लेकिन मैं अपने पुराने घर को याद की, हमारे पुराने साथी लोग हैं, और ये सब देख करके मैं इस पार्टी को अपने साथियों के साथ, आने को हजारों साथी आते, लेकिन कोरोना को देखते हुए नाना करते हुए कुछ लोग चले आए, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और अपने जो 5 साथी के साथ में उनको प्रणाम करती हूँ। पार्टी से मैं दुखी था, वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़कर थी और परिवार की पार्टी बना लिया था, इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था, पिछले कल जो मुझे निष्कासित किया गया है तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इतना दिन तक जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। तो मित्रों, इसी के कारण दूसरी तरफ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य चल रहा है, धरती पर बिहार, आज बिहार के एक एक घर में बिजली लग गई है, हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, हर एक टोले मोहल्ले को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है पक्की सड़कों से,
हर घर में शौचालय बनाया गया है, हर घर में बिजली लगाने का काम किया गया है। ऐसा बिहार में न तो कभी हुआ और आगे होने की कोई उम्मीद दूसरे नेता से नहीं है। मैं समाजवादी परिवार से आया हूँ। मैंने लोहिया गांधी लोहिया जयप्रकाश नारायण से जो सीखा था वो बिहार की धरती पर उतारते हुए नीतीश कुमार को देखा, उसका अध्ययन किया, इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को पूरे हृदय से प्रसन्नता पूर्वक आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया है। जो विकास की लाइन खींचा उससे बड़ा विकास का लाइन बिहार में आजादी के बाद किसी ने नहीं खींचा। दूसरी बात, जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज कुशवाहा समाज को राजनीति में जो अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए तो कोई नहीं किया। आज उपेंद्र कुशवाहा करके अपने को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र से उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? उन्होंने माननीय नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया और जगदेव बाबू के बाद इनको नेता बनाने का काम किया और ये भी इनको पीठ में छुरा मारकर चले गए। लेकिन मित्रों, जो कुशवाहा समाज के हिस्सेदार थे, जो नीतीश कुमार जी ने दिया वो किसी दल ने नहीं दिया। अभी जो 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, कुशवाहा समाज की आबादी 8-9% है और टिकट कितना दिया? 15 टिकट, यानी 15% लोकसभा के चुनाव में। अगर ये नीतीश कुमार जी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन कुशवाहा को कितना टिकट दिया? 3, यानी कि करीब करीब 20%। तो आबादी के अनुसार डबल टिकट देने का काम अगर किसी ने बिहार में किया तो उस आदमी का नाम है नीतीश कुमार। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने हम पर दबाव बनाया कि आप नीतीश कुमार जी का दामन थामिए और अपने कुशवाहा समाज के लिए हमने नीतीश कुमार जी का दामन थामा। आज अपनी पिछड़ों को आरक्षण देकर ब्लॉक में, जिला परिषद में, मुखिया में कौन पहचाने का काम किया? जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मदरसा का शिक्षक जो 500 रुपए भी वेतन नहीं पाते थे, आज मदरसा का शिक्षक 50,000 वेतन पाते हैं। जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था मुसलमान के मदरसों को पढ़ाने वाले लोगों को, आज 50,000 उनका परिवार घूम चल रहा है। मर्कजी तालीम चलाने का काम किया, महादलितों को आरक्षण दिया, महादलितों को टोला सेवक बनाकर अधिकार देने का काम किया। यह सामाजिक समीकरण का जो काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया बिहार में किसी ने नहीं किया। इसलिए यह सामाजिक समीकरण का जो काम किया, कुशवाहों का जो काम किया और जो विकास का बिहार का लाइन खींचा, इन बातों से प्रभावित होकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया और मेरी इच्छा यही है कि नीतीश कुमार जी के साथ काम करूं और उनके नेतृत्व में जितना हो सके मैं अपने से सहयोग करूं। धन्यवाद।